नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट, आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम कुछ ऐसा हो कि हम जिंदगी में स्ट्रगल तो करें लेकिन फेलियर ना हो, जिंदगी हमें इतना जरूर सिखा दे कि जैसा भी समय आए, जैसा भी दौर आए, जैसी भी जिंदगी में या इस दुनिया में प्रॉब्लम्स आती रहें लेकिन हम कम्प्लीटली फेल ना हो, कोलैप्स ना हो, जिंदगी चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, ऊंची उठती रहे, तो ऐसा क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, और ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो करीब 10 साल का बच्चा है। ये उसकी कहानी है कि ये जो एक बच्चा है, ये एक बहुत अमीर फादर का बेटा है। इसके जो फादर हैं वो बहुत अमीर बिजनेसमैन हैं, रिच सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून हैं, जिनके पास किसी पैसे रुपए की कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, और ये बच्चा अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है अपने पिताजी के संरक्षण में, उनके गाइडेंस में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। सडनली फादर को पता चलता है कि जो उनका उनको एक बीमारी हो गई है, एक इस तरह की उनको प्रॉब्लम हो गई है कि उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं चलेगी। हो सकता है आने वाले एक आध साल, डेढ़ साल में वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वो जिंदा ना रहें। तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं पिताजी कि मैं ऐसे में क्या करूँ, इतनी दौलत किस काम की जो मेरी ज़िंदगी नहीं बचा सकती, और अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरा बेटा इस दौलत को संभाल भी पाएगा। अभी तो वो छोटा सा बच्चा है, अगर लोगों ने इससे ये दौलत छीन ली, इसके साथ कोई फ्रॉड्स कर दिए, तो क्या मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा पाएगा, ढंग से ज़िंदगी को जी पाएगा। तो उसके पिता काफ़ी सोचने के बाद कुछ डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ तो सिखा के जाना ही पड़ेगा अपने बेटे को। तो नेक्स्ट डे जो फादर है अपने बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, ज़बरदस्त चैलेंज, तो अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा अवार्ड भी दूंगा। तो बेटा बड़ा खुश होता है, बोलता है बताइए पापा। तो उसके फादर बोलते हैं कि बेटा ये जो बॉक्स है इसमें कुछ रखा है, कि तुम घर के बाहर लेके जाओ और बाहर ही खोल के देखना कि इसमें क्या है, तुम्हें इस सामान की वैल्यू बढ़ा करके लानी है। तो बेटा बोलता है ठीक है पापा। तो जब वो उठाने की कोशिश करता है बॉक्स को, तो बहुत भारी बॉक्स है, उससे उठता नहीं है, वो बड़ी मुशक्कत से घसीट घसीट के किसी तरह घर के बाहर लेके जाता है उस बॉक्स को, और जब जाके देखता है तो उसमें ढेर सारे गेहूं भरे हुए होते हैं। अब बेटा सोचता है कि इस गेहूं की वैल्यू कैसे बढ़ाऊं, फिर उसे लगता है कि गेहूं से ज़्यादा वैल्यूएबल तो आटा होता ही है, तो वो किसी तरह घसीट के मेहनत से उठा के वो बॉक्स चक्की तक लेके जाता है, और चक्की वाले को बोलता है कि भैया देखो मुझे आटे की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ तुम मेरे लिए गेहूं पीस दो और बदले में थोड़ा गेहूं तुम रख लेना। तो चक्की वाला उस बच्चे की मासूमियत से बड़ा खुश होता है और वो फीस भी नहीं लेता कुछ आटा पीसने की, और वो उसे आटा पीस के दे देता है। बच्चा घर पे लेके जाता है खुश होके कि ये देखिए पापा, मैंने इस गेहूं की कीमत बढ़ा दी, इसे आटा बना दिया। तो फादर सोचते हैं हाँ कुछ तो किया, बट अभी इसमें वो बात नहीं आई है। तो नेक्स्ट डे फादर उस बच्चे को फिर एक बॉक्स देते हैं और बोलते हैं बेटा इसमें जो भी है तुम्हें कीमत बढ़ा के लानी है, और ये घर के बाहर जाके देखना है। तो जब बच्चा घर के बाहर जाके देखता है तो देखता है कि पिछले दिन वाला आटा जो है वो उस बॉक्स में पड़ा है। अब वो बड़ा परेशान होता है कि अब इस आटे की वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। फिर उसे ध्यान आता है कि क्यों ना मैं इसे ब्रेड में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ब्रेड तो हर कोई खा सकता है, हर किसी के लिए होती है, डायरेक्टली कंज्यूम की जा सकती है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी आटे से। तो बच्चा एक बेकरी पर उस आटे को लेकर के जाता है बड़ी मेहनत से, और उठा करके और घसीट करके, और फिर बेकरी वाले को बोलता है देखिए भैया आप इससे मेरे लिए ब्रेड बना दीजिए, और आप बदले में आधा आटा आप रख लीजिए, इसमें 16 ब्रेड्स बनेंगी, तो 8 मुझे दे दीजिए और 8 आप रख लीजिए। तो बेकरी वाला भी बच्चे की मासूमियत से बहुत खुश होता है, उसे बड़ा प्यार आता है बच्चे पे, और वो 16 ब्रेड्स बनाता है जिसमें से 8 वो खुद रख लेता है और 8 ब्रेड्स बच्चे को दे देता है।
बच्चा बहुत खुश होके फिर घर जाता और बोलता है, देखो पापा मैंने आटे की कीमत बढ़ा दी, अब तो ये ब्रेड्स बन गई है, कोई भी खा सकता है और इसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो पापा खुश होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अभी वो टैलेंट नहीं दिखता है अपने बच्चे में। तो अगले दिन उसके फादर बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा ये 8 में से 4 ब्रेड्स तो मैं घर पे रख लेता हूँ ताकि तुम भूखे ना रहो, और 4 ब्रेड्स मैं तुम्हें देता हूँ कि इसकी वैल्यू तो बढ़ानी है लेकिन हल्की सी वैल्यू बढ़ा के नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी कीमत 5 गुना कम से कम बढ़ा के लानी है। तो ये ब्रेड्स जो हैं करीब 100 रुपए की हैं, तुम्हें कम से कम 500 रुपए की करके लानी है। अब बच्चा 4 ब्रेड्स लेके निकल जाता है, उसे समझ नहीं आता, तब भी उसे ध्यान आता है कि जो उसका फेवरेट हाई ब्रांड वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो अक्सर अपने फादर के साथ खाना खाने जाया करता था, वो वहाँ जाता है और उसके जो बेकर चीफ बेकर होते हैं उनसे मिलके बोलता है कि अंकल आप प्लीज़ ये 4ों पैकेट ब्रेड्स रख लीजिए, मुझे इसमें से सिर्फ 8 पीस ब्रेड के चाहिए, लेकिन वो 8 पीस आप प्लीज़ सैंडविच में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रेस्टोरेंट का मालिक बच्चे की मासूमियत देख के मुस्कुराने लगता है और उसे इस डील में कोई लॉस भी नहीं दिखता, तो वो 4ों पैकेट ब्रेड्स के रख लेता है और उसमें से 8 पीस निकाल करके उस बच्चे को सैंडविच बना के अपने ब्रांड के रैपर में पैक करके और एक कैरी बैग में, अपने ब्रांड के कैरी बैग में उस बच्चे को वो 4 सैंडविचेस पकड़ा देता है। बच्चा घर जाता है और बोलता है पिताजी मैं जो ब्रेड के पैकेट्स लेके गया था वो 100 रुपए के थे, और अब जो मैं सैंडविचेस लेके जिस रेस्टोरेंट के आया हूँ वहाँ पे सैंडविच 250 रुपए का मिलता है, मतलब कि मेरे अब ब्रेड की कीमत जो है 1,000 रुपए हो गई। तो पिता बड़े खुश होते हैं कि हाँ बेटा अब तो बिजनेस करना सीख गया, अब तुझे धंधा समझ आ गया। तो बस जिंदगी भी ऐसी ही है कि गेहूं बना के तो हम सबको पैदा किया है उस ऊपर वाले ने, अब इसको हमें आटा बनाना है या ब्रेड बनाना है या सैंडविच में कन्वर्ट करना है या फिर एक ब्रांडेड सैंडविच बनाना है या खेतों में पड़े पड़े उस गेहूं के दाने को भी सड़ जाना है, ये डिसाइड हमें करना है दोस्तों। अपनी खुद की वैल्यू हम हर पल हर समय बढ़ाते रहना होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, मैं तो बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ, मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये भूल कभी भी नहीं करनी, क्योंकि आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो हमेशा चलता रहे, वो काम वो टैलेंट जरूरी नहीं है हमेशा आपके काम आता रहे। जिंदगी की संरचनाएं बदलती रहती हैं, दुनिया में बिजनेस टेक्निक्स बदलती रहती हैं, दुनिया की प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। हो सकता है आप पहले बहुत अच्छे चक्की वाले हों और बहुत अमीर हों, लेकिन जब चक्की से आटा पिसना बंद हो जाएगा तो क्या आपके पास कोई और टैलेंट है जो आप काम कर सकें? तो दोस्तों ठीक वैसे ही हमें हर पल हर वक्त खुद की वैल्यू बढ़ाते रहना है, खुद को हर समय नया नया टैलेंट देते रहना है, नई अपग्रेडेशंस देती रहना है और हमें अपग्रेडेड वर्जन खुद का बनते रहना है। क्योंकि दोस्तों जब हम खुद को अपग्रेड करेंगे, खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे, तभी हम जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर हमारे पास सिर्फ एक ही टैलेंट है तो वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। खुद को हमेशा आटे से सैंडविच बनाते रहना है। तो दोस्तों ये थी आज की सीख कि हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहें, अपना नया वर्जन तैयार करते रहें, नए नए टैलेंट्स।